आज का टॉपिक है डेंगू फीवर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि डेंगू फीवर क्या होता है। ये जो है एक मॉस्किटो से होने वाले जो फीवर है, मॉस्किटो से होने वाली डिसीज़ कंडीशन है, जिसमें कि पेशेंट को बहुत तेज़ फीवर आता है, साथ ही साथ जो है बॉडी पेन पेशेंट में रहता है। और ये डेंगू फीवर जो है वो कॉज किससे होता है, एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो है उसकी बाइट से जो है डेंगू फीवर होता है। और ये जो एडीज एजिप्टाई जो मॉस्किटो है वो सबसे ज़्यादा डे टाइम में जो है बाइट करते हैं। और ये जो है जो अनहेल्थी सैनिटेशन की वजह से जो है ये पनपते हैं, जो पानी में और या फिर किन्हीं भी जगह पर जो है बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, तो उन जगहों पर ये जो है पनपने लगते हैं। तो इस कंडीशन में पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीवर आएगा, बॉडी पेन रहेगा, और साथ ही साथ अगर सीवियर कंडीशन है तो जो पेशेंट में हेमरेजिक कंडीशंस को भी देखा जाता है। तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है मॉस्किटो की बाइट से ह्यूमंस में होने वाला कॉज, यानी कि ह्यूमंस में जो है कॉज होता है जो डेंगू फीवर। इसके अलावा इसका इनक्यूबेशन पीरियड है वो है 3 to 15 days का इसका इनक्यूबेशन पीरियड रहता है। और इसके अलावा सिम्टम्स के बारे में बात करें तो 3 types का जो है डेंगू फीवर होता है। फर्स्ट है सिंपल, सेकंड है हेमरेजिक डेंगू, सिंपल डेंगू, हेमरेजिक डेंगू, एंड थर्ड वन है डेंगू शॉक। डेंगू शॉक जो है थर्ड वाला स्टेज है जिसमें कि शॉक की कंडीशन में पेशेंट जाता है। तो जो सिंपल डेंगू फीवर होता है उसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीवर होता है, चिल्स होते हैं, कपकपी होती है फीवर के साथ में। इसके अलावा जो है कोल्ड एंड क्लैम्पी उनकी स्किन जो है होती है, और पेशेंट में नॉजिएटेड जो कंडीशन है वो पेशेंट में हो सकती है। और इसके अलावा जो पेशेंट में मसल पेन, बॉडी पेन रहता है, हेडेक होता है पेशेंट को, और जो आँखों के पीछे उनको बहुत ज़्यादा आईबॉल्स के पीछे जो है बहुत ज़्यादा पेन होता है उनको, और साथ ही साथ जो है उनमें माइल्ड पेन देखा जाता है थ्रोट एरिया में। और जो हेमरेजिक डेंगू फीवर है, हेमरेजिक डेंगू फीवर में जो है हेमरेजिक कंडीशंस देखी जाती हैं, यानी कि ब्लीडिंग होती है, नोज से ब्लीडिंग होती है, गम्स से ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा जो है स्टूल में ब्लड प्रेजेंस हो सकता है, और जो है वॉमिटिंग में भी उनको ब्लड आ सकता है जो हेमरेजिक कंडीशन में। इसके अलावा जो थर्ड स्टेज है डेंगू शॉक सिंड्रोम, इसमें पेशेंट का जो बहुत तेज़ फीवर आता है, उसके बाद जो पेशेंट का बीपी लो हो जाता है, और इसके बाद जो है पेशेंट जैसे कि उनकी जो कार्डियक रेट जो रिदम होगी वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर रहेगी, टैकीकार्डिया उनमें देखा जाएगा, और पेशेंट शॉक की कंडीशन में चला जाता है। तो इसके जो सिम्टम है वो तीनों ही स्टेज के अकॉर्डिंग होंगे, जैसे जो स्टेज में जो पेशेंट होगा उसके अकॉर्डिंग पेशेंट में सिम्टम शो होते हैं। इसके अलावा डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे तो हिस्ट्री टेकिंग फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा CBC करेंगे तो CBC में जो है WBC और प्लेटलेट का काउंट जो है बहुत ही कम आता है। इसके अलावा CSF कल्चर इसमें किया जा सकता है। मैनेजमेंट की बात करें तो पेशेंट को एंटीपायरेटिक ड्रग देते हैं, एनाल्जेसिक ड्रग्स दे सकते हैं, एंटी इमेटिक ड्रग दे सकते हैं, इसके अलावा उनमें एनेसेड्स दे सकते हैं जिससे कि इन्फ्लामेशन कम हो। और जो अगर शॉक की कंडीशन है तो शॉक की कंडीशन में कोलोइड फ्लूइड्स पेशेंट को दिए जाते हैं, जो डेक्सट्रोज होते हैं वो पेशेंट को दिए जाते हैं जिससे कि वो शॉक की कंडीशन से रिकवर हो सके। तो ये इतने मैनेजमेंट हम कर सकते हैं डेंगू फीवर के लिए। इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट में बात करें तो जो है आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, जो सैनिटेशन है उसे क्लीन रखेंगे, और जो है कहीं भी पानी ना भरा होना चाहिए। इसके अलावा सभी जगह क्लीनिंग रखेंगे, और जो क्लोदिंग है वो जो फुल स्लीव्स क्लोथ्स पहनेंगे। इसके अलावा कोई भी ऑइंटमेंट का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि मॉस्किटो बाइट ना हो, जो बाइट ना करें वो। इसके अलावा सभी जगह को जैसे कि पेशेंट हैं वो हाई फ्लूइड्स ले सकते हैं, इसके अलावा कोई अच्छी कैलोरिक डाइट ले सकते हैं। पेशेंट को जो है हाई कैलोरिक डाइट देंगे, प्रोटीन और जो रिच अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स डाइट देंगे उनको, और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे जिससे उनमें डिहाइड्रेशन ना हो, और इसके अलावा जो है शॉक की कंडीशन में पेशेंट ना जाए। साथ ही साथ उनका जो टाइम टू टाइम उनका
वाइटल साइन चेक करते रहेंगे, उनका इनपुट और आउटपुट चेक करते रहेंगे, और अगर हेमरेजिक कंडीशंस हैं तो उनके लिए जो है मेडिसिंस अलग से देंगे, जैसे भी उनकी सीवियर कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग उनको मेडिसिंस दे सकते हैं। तो ये था डेंगू फीवर, आज हमने बात की डेंगू फीवर के बारे में और इसमें क्या क्या सिम्टम होते हैं और कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ आया होगा, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।